आपके माता पिता ने या दोस्त यारों ने आपको कभी न कभी मारा ही होगा। क्या हो आपको मार खाने के पैसे मिले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज की मूवी में हम देखेंगे कोई कितना अपने आप को चोट पहुंचा के पैसे कमा सकता है। जॉन नाम का लड़का अपनी बीवी एलिस के साथ एक किराए के घर में रहा करता है और वो एक छोटी सी नौकरी करता है और उनके घर का मकान मालिक आए दिन एलिस को परेशान करता है, जॉन को भी बहुत परेशान करता है। एलिस हमेशा इंटरव्यू देने जाती है पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। दरअसल एलिस की क्वालिफिकेशन कम है और वो फ्रेशर भी है, उसने आज तक कभी कोई जॉब नहीं करी, इस वजह से कंपनी उसको जॉब नहीं देती। पर जॉन जैसे तैसे अपना घर चला रहा होता है। एक दिन एलिस बाहर घूम रही होती है, उसको एक बूढ़ी औरत दिखती है जो डस्टबिन से कुछ उठा रही होती है। एलिस जब ध्यान से देखती है तो वो ओल्ड लेडी के हाथ में एक टीपॉट होता है जिससे आम घर में चाय पी जाती है। एलिस को वो टीपॉट बहुत पसंद आता है और वो उस औरत के पीछे चली जाती है और वो बूढ़ी औरत वो एक दुकान में चली जाती है जहाँ पुरानी चीजें बेची जाती हैं। एलिस भी उस दुकान में चली जाती है और टीपॉट के ढूंढने लगती है पर उसको टीपॉट नहीं मिलता। उतने में बूढ़ी औरत एलिस के पास आती है तो एलिस डर जाती है। एलिस से वो बोलती है, आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो? तभी एलिस बताती है, मैं अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इस वजह से मैं कुछ चीज ढूंढ रही हूँ जो मैं अपने हस्बैंड को दे सकूँ। उतनी देर में एक फोन आ जाता है और वो बूढ़ी औरत उधर चली जाती है। एलिस देख चुकी थी कि वो बूढ़ी औरत टीपॉट अपने कमरे में जाके रखती है और एलिस वहाँ जाके वो टीपॉट चुरा के अपने घर ले आती है। एलिस टीपॉट पाके इतनी पागल हो गई थी कि वो हर काम में और हर समय टीपॉट अपने पास रखती थी। एक दिन वो अपने बाल स्ट्रेट करती है तभी वो जल जाती है और उतने में एलिस देखती है टीपॉट में कुछ पैसे आ जाते हैं। एलिस फिर अपने आप को जलाती है, फिर कुछ पैसे आ जाते हैं। दरअसल टीपॉट में ऐसी शक्ति थी, जब उसके पास कोई आदमी अपने आप को जख्म देता है या दर्द दे देता है तो उसको पैसे मिलते हैं। एलिस ये बात समझते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ित करती है। बहुत चोट देने के बाद एलिस बेहोश हो जाती है। तभी उतने में जॉन आता है, वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। घर में चारों तरफ चीजें बिखरी हुई हैं और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा खून भी पड़ा हुआ है। जॉन जब एलिस को देखता है तो उसके सर में चोट, हर जगह चोट ही चोट होती है। जॉन घबराते हुए बोलता है, आखिर ये सब कौन कर गया और मेरे पीठ पीछे आखिर हुआ क्या है? एलिस यहाँ हंसती है और जॉन को पकड़ती है तो जॉन बताता है उसकी नौकरी छूट गई। एलिस जॉन को सोफे में बैठा है और उसको एक बहुत तेज तमाचा मारती है। एलिस जमीन में गिर जाता है। एलिस टीपॉट से फिर कुछ पैसे निकालती है और बताती है कि हम अपने आप को जितना चोट देंगे और जितना हम अपने आप को दर्द देंगे ये टीपॉट हम लोग को उतना ही पैसे देगा। जॉन कहता है, ये बात सही नहीं है, ऐसा पैसा किस काम का जिससे हमको चोट मिले। तभी एलिस जॉन को मना लेती है और जॉन भी मान जाता है। एलिस जब दूसरे दिन सो के उठती है तो उसके बेड के बगल में एक चिट्ठी होती है और चिट्ठी में लिखा होता है, ये टीपॉट जिसका है मैं उसको वापस करने जा रहा हूँ। और यहाँ एलिस गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ जॉन वो दुकान के सामने खड़ा है वो टीपॉट लेके, पर वो दुकान अभी बंद है। जॉन फिर उस टीपॉट को एक लाइव शो में लेके जाता है और वो टीपॉट टीवी में आता है। टीवी में एक आदमी जो एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर टीपॉट देखता है। ऐसा लगता है कि उस प्रोफेसर को सारी बात पता है टीपॉट की। और दूसरी तरफ वो टीपॉट जॉन अपने घर वापस ले आता है। जॉन और एलिस आपस में वादा करते हैं कि वो 2 लाख कमाने के बाद ये टीपॉट जाके वापस कर देंगे और अपने आप को वो जख्म देने लगते हैं और ये सब करके वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। तभी जॉन के घर में 2 आदमी आते हैं और जॉन जैसे ही गेट खोलता है वैसे ही वो उसको मारने लगते हैं और बोलते हैं, वो टीपॉट मेरी दादी का है और मेरी दादी बहुत साल पहले मर गई है, पर मेरी दादी ने ये बताया था कि वो टीपॉट मेरा है और वो टीपॉट मुझे शराफत से दे दो। तभी एलिस कुछ पैसे निकालती है जो अभी जॉन को मारने से मिले थे और वो आदमी को देने के बाद वो बोलती है, हमारे पास टीपॉट नहीं है। वो दोनों आदमी पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। एलिस जॉन से बोलती है, हमें पता करना होगा आखिर ये टीपॉट का रहस्य, और वो दोनों निकल जाते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जब वो किताब पढ़ते हैं तो एलिस को ये पता चल जाता है आखिर वो टीपॉट कहाँ से आया था और इस टीपॉट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जो नुकसान वाला पेज होता है एलिस उसको बहाने से फाड़ लेती है, पर ये बात जॉन को नहीं पता होती। वो एलिस से बोलता है, इस किताब का वो पेज तो फटा है जिसमें इस टीपॉट का नुकसान लिखा था। एलिस बोलती, ये तो बात मुझे नहीं पता है। पर एलिस ये भी बोलती है जॉन से, चलो हम लोग उस टीपॉट से बहुत पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, जो होएगा देखा जाएगा।
फिर एलिस और जॉन वो दोनों बहुत पैसे कमाते हैं और अपने आप को जख्म देने के बाद वो गाड़ी, बंगला और बहुत पार्टी करते हैं। और एक पार्टी जब एलिस अपने घर में रखती है तो जॉन देखता है कि एलिस अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। जॉन अपने पुराने दोस्तों के साथ खुश था और उतने में ही वो प्रोफेसर उस पार्टी के बीच में आता है और जॉन से बोलता है, आप लोग की जिंदगी खतरे में है। और एलिस भी आ जाती है। उतने में एलिस डॉक्टर से बोलती है, हम ये फैसला आपस में बातचीत करके बताएंगे। और यहाँ रात में एलिस बोलती है, अगर ये हमें टीपॉट ना मिलता तो हम लोग आज भी फकीर और गरीब होते। एलिस की ये सारी बात उसका मकान मालिक सुन रहा था और मकान मालिक अंदर आता है और बोलता है, मुझको पता है तुम लोग इतने अमीर कैसे बने इस टीपॉट की वजह से। और मकान मालिक वो टीपॉट छीन लेता है और बाहर जाने के बाद वो टीपॉट सड़क में फेंक के अपनी गाड़ी निकाल देता उसके ऊपर से। पर एलिस देखती है उस टीपॉट को तो एक खरोज भी नहीं आई। फिर वो टीपॉट लेके उस डॉक्टर के पास जाते हैं। वो दोनों उस डॉक्टर से बोलते हैं, इस टीपॉट का क्या रहस्य है। डॉक्टर बताता है, ये टीपॉट हजारों सालों से बहुत से हाथों से होकर गुजरा है और ये टीपॉट किसी गलत हाथ में पड़ गया तो जंगे भी हो सकती हैं पैसों के लिए। जॉन बोलता है, हमें इससे कैसे आजादी मिलेगी। वो डॉक्टर बताता है, तुम्हें ये टीपॉट मुझे देना होगा। एलिस बोलती है, ये टीपॉट मैं अपने पास ही रखूंगी। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही बहुत दिन बीतते हैं। रात में वो दोनों भाई एलिस और जॉन के घर चोरी करने आते हैं और बहुत सारा पैसा पन्नी में भर के ले जाते हैं। तभी एलिस जॉन को उनके सामने कर देती है और वो दोनों भाई एलिस के हाथ में वही टीपॉट देते हैं और बोलते हैं, हमें पता है ये टीपॉट क्या करता है और कितना पैसा तुमको देता है। हम ये टीपॉट ले जा सकते थे पर हम ये टीपॉट नहीं ले जाएंगे। दरअसल हमको ये बात पता है कि इस टीपॉट के फायदे क्या हैं और कितने नुकसान हैं। बस मुझे मेरा हिस्सा मिलने से मतलब है। और तुम लोग को मैं बता दूं, ये टीपॉट बहुत खतरनाक है। तुम्हारे मतलब के पैसे तुम्हें मिल गए हैं तो इस टीपॉट को अपने से दूर हटा लो। और फिर वो दोनों भाई वो पैसा लेके जाने लगते हैं। तभी एलिस वही टीपॉट से उन पे हमला कर देती है और उस लड़ाई में एलिस और जॉन दोनों बेहोश हो जाते हैं। जॉन की जब सुबह आँख खुलती है वो दोनों भाई सारा पैसा ले गए हैं और एलिस ये भी देखती है कि टीपॉट से अब पैसे निकलने कम हो गए हैं। एलिस जॉन से बोलती है, हमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा जख्म देना होगा अपने आप को। और एलिस और जॉन एक क्लब में जाते हैं। जॉन एक बॉडी बिल्डर को बहुत परेशान करता है तो बॉडी बिल्डर जॉन को बहुत मारता है। और जब एलिस देखती है टीपॉट में तो बहुत सारे पैसे रहते हैं। अगले दिन जॉन की हालत बहुत खराब होती है। तभी डॉक्टर जॉन को देखता है और बोलता है, तुम बहुत बदल गए हो, तुमने अपनी हालत देखी है, तुम्हें टीपॉट से आजादी चाहिए और वो टीपॉट तुम्हें मुझे देना होगा। दूसरी तरफ एलिस कहीं बैठी होती है और एलिस को ये पता चलता है कि टीपॉट के अगल बगल जितने भी हादसे होंगे और कोई भी जख्मी होगा तो टीपॉट उनको पैसे देगा। एलिस ये बात जॉन को बताती है आके और फिर इन दोनों निकल जाते हैं पैसा कमाने दूसरे के दर्द से। पहले एलिस एक हॉस्पिटल जाती है। एक औरत बेबी को जन्म दे रही थी और उस बीच उस औरत को बहुत दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ एलिस के टीपॉट में बहुत सारे पैसे बन रहे थे। फिर वो ऐसे ही फाइट देखने जाते हैं तो उनको पैसे बनते हैं। ऐसे वो टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास पैसे बनते हैं। एलिस लालच में बहुत अंधी हो गई थी। एलिस अब किसी की जान भी ले सकती थी तो एलिस रास्ते में चल रही होती है। एलिस जॉन से बोलती है, अगर मैंने इस बूढ़ी औरत को उड़ा दिया और जान से मार दिया तो हमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी जॉन उसकी स्टेयरिंग पकड़ के घुमा देता है और यहाँ वो औरत बच जाती है। एलिस जॉन को उलपटांग कहते हुए गाड़ी से निकलती है और उनको एक बात और पता चलती है, जब एक दूसरे की वो बुराई करेंगे तो भी टीपॉट उनको पैसे देगा। फिर अब नया तरीका, दोनों बैठते हैं स्टूल में और एक दूसरे की बुराई करना शुरू करते हैं और बुराई करते करते वो आपस के ऐसे ऐसे राज खोल देते हैं जिससे जॉन पूरी तरह से टूट जाता है। टीपॉट से निकले हुए पैसे वो एलिस के मुंह में मार के वहां से चला जाता है और फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं दूसरों का दिल तोड़ने, क्योंकि अब उनके बीच में कोई सीक्रेट और कोई राज रह नहीं गया था। पहले वो जाते हैं उस अमीर लड़की के घर में जो एलिस की नई नई फ्रेंड बनी थी और उसके हस्बैंड को बता देते हैं, तुम्हारे डॉग का कत्ल तुम्हारी बीवी ने ही किया था और यहाँ उनको बहुत पैसे मिलते हैं। और एलिस जाता है अपनी ऑफिस अपने बॉस की बीवी के पास और अपने बॉस की पूरी करतूत बता देता है उसकी बीवी को और यहाँ उसकी बीवी का भी दिल टूट जाता है, उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब बारी है एलिस की बहन की और एलिस अपनी बहन के पास जाती है और उसके हस्बैंड को कुछ बताने लगती है। फिर एलिस यहाँ चुप्पे हो जाती है और अपनी बहन से बोलती है, तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया हो जाने अनजाने उस गलती को माफ कर दो। और
की बहन ये सुन के बहुत रोती है और दोनों गले मिल जाते हैं। दरअसल थोड़ी देर के लिए एलिस के मन में लालच खत्म हो गया था, वो अपनी बहन की लाइफ देख रही थी। वो दोनों अपने घर आते हैं और एलिस अपने हस्बैंड से बोलती है, मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। उस इंसान को मारने के बाद हम उसकी लाश अपने गार्डन में दफन कर देंगे। जॉन बेमन से एलिस के साथ काम करता रहता है। जॉन फिर उस डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है, मेरी बीवी बिल्कुल पागल हो गई है, वो पैसे के लिए किसी को भी मार सकती है। वो डॉक्टर बोलता है, अगर उस टीपॉट से तुमको छुटकारा चाहिए तो वो टीपॉट मुझको लाके दो। जॉन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मुझे वो टीपॉट नहीं देगी। जॉन अपने घर जाता है और जॉन को वो पेपर भी मिल जाता है जो एलिस लाइब्रेरी से चुरा के लाई थी और उसके सारे नुकसान पढ़ लेता है। जॉन अब पूरा टूट चुका है। जॉन एक खिड़की में बैठ के एलिस से बोलता है, तुम्हें टीपॉट चाहिए कि मैं चाहिए? एलिस बोलती है, मुझे टीपॉट चाहिए, तुम रहो चाहे ना रहो। और ये जॉन सुनते ही उस टीपॉट को लेके उस खिड़की से कूद जाता है। उसका शौहर उसके हाथ से जाता हुआ दिखता है और जॉन जमीन में गिरते साथ बेहोश हो जाता है। एलिस आती है और देखती है कि उसका जॉन मतलब उसका शौहर अभी होश में है और वो जिंदा है। यहाँ वो राहत की सांस लेती है और वो दोनों लोग अपने घर में जाके लेट जाते हैं और टीपॉट बेंच में रख के सो जाते हैं। जब वो सुबह उठ के देखते हैं तो वो टीपॉट उसके मकान मालिक ने चुरा लिया था। वो दोनों देख के बहुत खुश हो जाते हैं, पर एलिस बोलती है, वो टीपॉट किसी गलत हाथ में लग गया तो बहुत तबाही हो सकती है। फिर वो दोनों उस मकान मालिक के घर जाते हैं और दरवाजा खोल के देखते हैं, चारों तरफ बहुत टूट फूट होती है। तभी उतने वो मकान मालिक अपने हाथ में गन लेके एलिस के सामने तान देता है और अपना बहुत बुरा हाल करे रहता है। एलिस बोलती है, ये टीपॉट मुझे दे दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। वो मना करते हुए बोलता है, ये टीपॉट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी उतने में उस मकान मालिक की बीवी आ जाती है, उसके हाथ में भी गन होती है। वो एलिस और जॉन के सामने तान देती है और वो दोनों जमीन में बैठ जाते हैं। तभी उतने में वो दोनों भाई भी आ जाते हैं जो हमेशा जॉन और एलिस के पैसे ले जाते थे, और उनके हाथ में भी गन होती है। चारों आपस में बात कर रहे होते हैं पर एक दूसरे की वो बात नहीं मानते। तभी एक दूसरे को वो गोली मार के चारों मर जाते हैं। जॉन और एलिस वो टीपॉट और सारा पैसा लेके उस वैन से बाहर निकलते हैं। सामने वही प्रोफेसर खड़ा है और जॉन जाके वो प्रोफेसर को दे देता है और शांति से वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो प्रोफेसर एक बहुत बड़ी शिप में समुन्दर के बीच में जाके वो टीपॉट फेंक देता है और हम देखते हैं जॉन अपने पास जो पैसे होते हैं वो कुछ पैसे अपने दोस्तों को भी भेज देते हैं और निकल जाते हैं नई जिंदगी जीने। और यहाँ से मूवी होती है खत्म। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।